पब्लिक लाइब्रेरी आज हम विद्युत कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, उनकी समस्याएं पूछेंगे। उनका कहना है कि जो उच्च अधिकारी हैं वो अभद्र टिप्पणी या अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी समस्याओं को हम अभी आपके सामने जागरूक करेंगे। अब कहें तो क्या बात है, हमारा किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे, सेवाएं ना का मतलब। और ये धरना हमारा जो है इसका मुख्य मांग ये है कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं मिस्टर एम देवराज जी, तो उनका जो रवैया है तानाशाही रवैया है पूरा। कोई कर्मचारी या अधिकारी किसी भी प्रकार की छोटी सी भी गलती करता है तो सीधे टर्मिनेशन तक आता है, और हिटलरशाही करते हैं। जैसे मीटिंग वगैरह होती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आए दिन होती रहती है, सुबह शाम दोनों टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जिसमें ये जिस हिसाब से बातें करते हैं और अधिकारियों कर्मचारियों को नीचा दिखाते हैं इस प्रकार की टिप्पणी करके, तो इनका ये रवैया ठीक नहीं है। हम ये चाहते हैं इनको यहाँ से हटा दिया जाए, ताकि हमारा जो आगे का कार्य है और हम लोग विभाग को अच्छा माहौल दे सकें और अच्छे से कार्य कर सकें। अमेरिका और भी कर्मचारी उनसे बात करते हैं, यदि वो बच्चे के बड़े बड़े चेयरमैन साहब हैं आपके भारत सरकार या सरकार से मांग किए नहीं, इनकी मांग के लिए तो प्रयास किए जा रहे हैं, मांग क्या लगातार इनको मांग तो मांग पहले भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट मिले नहीं। और जैसा अभी चल रहा है, अभी सुबह शाम की टाइमिंग जो वीसियाँ चल रही हैं, सुबह भी टाइम मतलब सुबह 10 बजे पहले हो जाती है, शाम को 7 बजे के बाद, 8 बजे, 9 बजे, कोई टाइम लिमिट नहीं है। हमारे संज्ञान में ये भी आया कि उन्होंने किसी एक अधिकारी को अड़काया था, तो उसको हमने अटक की। हाँ, ये संज्ञान में क्या ये है, सच्चाई है ये, और चीफ इंजीनियर लेवल के अधिकारी हैं वो जो एक्सपायर हुए हैं, और उसके लिए भी कोई ऐसी कार्रवाई उसी संबंध में हम लोग ये सब चीज़ें लेके आए हैं। आपने देखा कि यहाँ के विद्युत कर्मचारी बता रहे हैं कि इनके जो चेयरमैन हैं विद्युत कर्मचारी के, वो क्या बोलते हैं कि उनकी अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी पे एक उच्च अधिकारी की भी मौत हो गई। देखना यह है कि इंकलाब जिंदा।